अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। कैसे हो मेरे अजीजो? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। आज की एक नई क्लास के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और आज इस क्लास में हम सीखने वाले हैं उल्टा पेश, कि उल्टा पेश किसे कहते हैं और उल्टा पेश को किस तरीके से अदा करना चाहिए, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो पिछली क्लासों में सबक पढ़ाया जा रहा है आपके बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और आप उसे याद भी कर रहे होंगे। और एक और बात, अगर आपको कोई बात समझ में ना आए या आपको किसी बात को लेकर कन्फ्यूज़न हो तो आप उसे ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप लिखकर छोड़ देंगे तो इंशाल्लाह उसका जवाब भी दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने सबक। और जैसा कि आपके सामने आज हम पढ़ने वाले हैं उल्टा पेश, तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे उल्टा पेश। जैसा कि मैंने बताया कि ये उल्टा पेश होता है और उल्टा पेश वाव मद्दा के कायम मकाम होता है। जिस तरीके से हमने वाव मद्दा पीछे पढ़ा था, अलिफ मद्दा, या मद्दा और वाव मद्दा, तो वाव मद्दा को जिस तरीके से पढ़ा गया था ऐसे ही उल्टा पेश को भी पढ़ना है। जिस तरीके से वाव मद्दा को खींचा था हमने एक अलिफ के बराबर, ऐसे ही हमें उल्टा पेश को भी, जिस किसी भी हर्फ के ऊपर ये उल्टा पेश बना हुआ होगा तो उस हर्फ को हमें एक अलिफ के बराबर खींचना है। तो चलिए पढ़ते हैं। हमजा उल्टा पेश, ओ ब उल्टा पेश, बू त उल्टा पेश, तो स उल्टा पेश, सो जीम उल्टा पेश, जू ह उल्टा पेश, हू ख उल्टा पेश, खो दाल उल्टा पेश, दो जाल उल्टा पेश, जो रा उल्टा पेश, रो ज उल्टा पेश, जो सीन उल्टा पेश, सो शीन उल्टा पेश, शो स्वाद उल्टा पेश, सो वाद उल्टा पेश, वो ता उल्टा पेश, तो ज़ा उल्टा पेश, ज़ो ऐन उल्टा पेश, उ ग़ैन उल्टा पेश, गु फ़ा उल्टा पेश, फु क़ाफ़ उल्टा पेश, कु काफ़ उल्टा पेश, कु लाम उल्टा पेश, लो मीम उल्टा पेश, मु नून उल्टा पेश, नु वाव उल्टा पेश, वु हा उल्टा पेश, हु हमज़ा उल्टा पेश, उ या उल्टा पेश, यू या उल्टा पेश, यू। अब इसकी हम मश्क करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, तो चलिए इसकी मश्क करते हैं। लाम जबर ला, हा उल्टा पेश, हो। अब लाम को जल्दी से पढ़ेंगे क्योंकि इसके ऊपर जबर है, जबर को जल्दी पढ़ते हैं। लहू, आगे पढ़ते हैं। दाल अलिफ जबर द, इसके साथ अलिफ मद्दा है तो दाल को हमें खींचना है। वाव उल्टा पेश, वो इसे भी खींचेंगे उल्टा पेश होने की वजह से। द वो दाल जबर द, वू द, रा जबर रा, सीन वाव पेश, सो रसो, लम पेश, लो रसूलु, हा उल्टा पेश, हो रसूलु, हो हमजा खड़ा जबर अ, या अलिफ जबर या, आया ता पेश, तो आया तु, हा उल्टा पेश, हो आया तु, हो जीम पेश, जु नून वाव पेश, नू जुनु, दाल पेश, दु जुनु, दु हा उल्टा पेश, हो जुनु, दु हो ता जेर ती, लाम अलिफ जबर ला, तिला वाव जबर वा, तिला वा ता पेश, तु तिलावतु, हा उल्टा पेश, हो तिलावतुहु, वाव जबर वा, रा ज़ेर री, वरी था जबर था, वरी था, हा उल्टा पेश, हो वरी था, हु मीम जबर मा, वाव अलिफ जबर वा, मवा जाया ज़ेर ज़ी, मवाज़ी, नून पेश, नु मवाज़ीनु, हा उल्टा पेश, हो मवाज़ीनुहु, जीम जबर जा,
عين زبر ا جاء لام زبر لا جعل ها الٹا پیش ہو جعله میم الف زبر ما واو الٹا پیش وو ما وو را زیر ری ما ووری یا زبر یا ما ووری یا غین الف زبر غا واو الٹا پیش وو غا وو نون زبرنا غا وونا قاف زبر قا رایا زیر ری قری نون پیش نو قری نو ہا الٹا پیش ہو قری نو ہو. تو آج کے سبق کو ہم یہیں مکمل کرتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق بھی آپ کے بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ نے اچھے طریقے سے اس کی مشق بھی کر لی ہوگی. تو چلیے ملتے ہیں اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.